डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दिस दिस, चलो डिस्टेंस निकालना। एक पॉइंट हमारे पास है, एक हमारे पास ए पॉइंट है जो कि है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो, ठीक है कॉमा जीरो। और एक हमारे पास है ये जी बी पॉइंट। बी पॉइंट है जीरो कॉमा, जीरो कॉमा ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा, ये हमारे पास है ठीक है। ए कॉस, ठीक है क्या है यहाँ पे देख लो, ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा जीरो, एक है जीरो कॉमा दिस। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए आपको? डिस्टेंस के लिए ये पॉइंट मेरा एक्स वन है, ये मेरा वाई वन है, ये मेरा एक्स टू है और ये मेरा वाई टू है। दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू, ऐसा दे रखा है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं ए भी, तो वो क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स टू कितना है? जीरो है, तो जीरो माइनस एक्स वन मेरा है ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट लगा लो, बड़ा वाला, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है ध्यान से कैलकुलेशन देखिए। क्या करा मैंने, एक्स टू मेरा जीरो माइनस एक्स वन मेरा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस प्लस ब्रैकेट वाई टू, वाई टू मेरा ये है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा माइनस वाई वन कितना है, वाई वन की वैल्यू जीरो है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से ये रिजल्ट आ गया है, चेक करें, चेक कर लो, ये रिजल्ट आ जाएगा ठीक है। तो भाई देखना, इसके बाद जीरो माइनस है तो जीरो माइनस क्या, जीरो तो हट जाता है ना। मैं तुमसे कहूँ टू प्लस जीरो बताओ कितना है, तो भाई टू ही आएगा, तो जीरो का तो कोई रोल है नहीं। लेकिन जो माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इस वाले जीरो का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आएगा। आ गया रिजल्ट आपका, ओके। अब आप सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी आपको लाना है रिक्वायरमेंट रिजल्ट जो भी है वो आपका आ जाएगा। चलो देखो क्या रहा है, आपको दिखाई तो दे रखो अवन, ठीक है इसके बाद मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। चलो अब देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या आ जाएगा टू ए बी, यानी कि टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज मुझे मिसप्रिंट है, यहाँ पे मिसप्रिंट है एक चीज, पता क्या, क्योंकि ए के साथ ए नहीं आएगा। चलो करते हैं, जो होगा देखेंगे, पता लग जाएगा भाई मिसप्रिंट है नहीं है, तो ये आएगा तुम्हारा, लेकिन मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, क्योंकि ये चीज जो है ना सेम नहीं आनी चाहिए, ये साइन आना चाहिए था, ये साइन और कॉस में चेंज कर लो इसको, यस और नो, आपका आंसर नहीं आ रहा होगा ना, आपका आंसर आ रहा है इससे देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट होगा, क्योंकि ए कॉस थीटा तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर तो आ जाएगा टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन तो मिलेगा नहीं। आपने अगर सॉल्व किया होगा दिक्कत आई होगी, यस और नो, आ रहा है दिक्कत, दिक्कत आई होगी ना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इधर कॉस लूंगा ना और इधर साइन लूंगा, समझना मेरी बात, बताता हूँ क्या दिक्कत आएगी यहाँ पे, यहाँ पे तो माइनस टू ए सही है, टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा तो ठीक है, ये तो कट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आएगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ पे आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, उनका तुम क्या करोगे, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे साइन करो, थोड़ा चेंज करो क्वेश्चन में, ये साइन होता है यहाँ कॉस होगा, ठीक है क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, यहाँ ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा करिए, अब सॉल्व करोगे अब आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ साइन करिए, थोड़ा चेंज कर लीजिए,
ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। तुम्हें थोड़ा सा लिखना पड़ जाएगा, मैंने तो चलो इसी में कर दिया। यहाँ पे आएगा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज बस इधर आएगा, अब आ जाएगा आंसर। पॉइंट लग जाता है कि कहाँ गलती है क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा। ये चीज अभी भी कटेगी इससे, ठीक है। क्यों कट रही है ध्यान सुनो, मैं तुमसे बोलूं 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, या बोलूं 3 इंटू 4 इंटू 5, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे, यस और नो बताइए। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे कमेंट सेक्शन बताइए, बताओ जरा फटाफट। क्या ये दोनों सेम होंगे आप बताइए, होगा सेम। अच्छा तो इसका मतलब है 2a cos थीटा b sin थीटा और 2a sin थीटा b cos थीटा, सारे टर्म्स देखो, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, a b इधर भी है, a b इधर भी है, sin cos, समझ रहे हो। अच्छा कट गया, तो अब क्या बचा, अब देखो क्या बचा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये तुम्हारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें और इसमें ए स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, ये भी वन, तो आंसर आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आ गया आंसर। तो सी पार्ट आ गया आंसर।